अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। लैब एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ बुक्स में जो है वो 4 है, कुछ बुक्स में 5 है। नंबरिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को बेसिक पे, आप लोगों ने नेट पे जो है वो कैलकुलेट करनी है। बेसिक पे जो है वो आपको गिवन दी हुई होगी, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने इनपुट करवानी है, क्या चीज़, बेसिक पे आप लोगों ने इनपुट करवानी है, ठीक है। और ये जो एक टेबल दिया हुआ है साथ, उसके अकॉर्डिंगली आपने हाउस रेंट उसका कैलकुलेट करना है। और लास्ट में आपने ये बता देनी है कि बंदे की या जो पर्सन वहाँ पर समीर है, ठीक है, उसकी जो है वो नेट पे कितनी है, ठीक है। तो ये लैब एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन जो हमारा आर्किटेक्चर है वहीं से स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड से। सो हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h देन conio.h एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन int main। यहाँ से आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास यहाँ पर देखें आप लोगों ने क्या चीज़ लेनी है, ठीक है। हमने यूज़र से, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि यूज़र से आप लोगों ने क्या चीज़ इनपुट लेनी है बेसिक पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे बेसिक पे। सो हम लोग यहाँ पर कहते हैं सारों को हम लोग फ्लोट में ही लेके चलते हैं, ताकि जो है वो क्वेश्चन के अंदर कोई भी हमें मसला ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं फ्लोट बेसिक पे, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, बेसिक अंडरस्कोर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हाउस रेंट। तो हम हाउस रेंट लिखेंगे, हाउस रेंट आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो कि है आपके पास नेट पे। नेट पे सही हो गया जी। ये आप लोगों ने तीन वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर करवा दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यूज़र से आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो इनपुट करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो आप लोग लिखेंगे सी आउट इंटर योर बेसिक पे, ठीक है जी। और देन सी इन बेसिक पे, जो वेरिएबल हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है जी। यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक पे जो है वो यूज़र से ले लिया। अब हम लोग जो है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। एक कंडीशन है तो आप इफ़ लगा सकते हैं, एग्जैक्टली टू कंडीशन है तो इफ़ एल्स लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंडीशन एक से ज़्यादा कंडीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एल्स इफ, ठीक है। और एक और चीज़ जो है वो एल्स इफ की जगह आप जो है वो स्विच जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्विच एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो स्विच है वो सिर्फ तब ही जो है वो इसके साथ कंपैरिजन हम उसका कर सकते हैं, या वो चीज़ जो है वो इफ़ एल्स के, एल्स इफ के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो हम स्विच के अंदर तब लिख सकते हैं जब हमारे पास इक्वालिटी हो, ठीक है। यानी कि इक्वल इक्वल्स की टर्म हो। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर का भी जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी है जो यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एल्स इफ से करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले एल्स इफ के अंदर जो पहला हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़। इफ़ के अंदर हम लोग चेक करेंगे किसको, बेसिक पे को। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे इज़, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, लेस देन, अगर क्या है बेसिक पे लेस है कितने, 30,000, ठीक है। सो क्या करे वो ये करे कि वो आप लोगों ने हाउस रेंट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब हाउस रेंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर देखते हैं, हाउस रेंट, यहाँ पर हाउस अंडरस्कोर रेंट, ठीक है, क्योंकि जो स्पेस है ये अलाउ नहीं है, ठीक है। इसी तरह नेट पे को मैंने इकट्ठा लिखा है, बीच में कोई स्पेस नहीं दी, ठीक है। हाउस रेंट इज इक्वल्स टू बेसिक पे मल्टीप्लाइड स्टेरिक, ठीक है। कितने परसेंट है, 30% है, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे 0.30, ठीक है। सो ये आपका हाउस रेंट यहाँ से कैलकुलेट हो गया, ये इसकी बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या कहती है, एल्स इफ, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ के अंदर हम लोगों ने फिर क्या करना है, बेसिक पे, बेसिक अंडरस्कोर पे, ठीक है, कहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30,000, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी है, साथ लगा हुआ है एंड, ठीक है, कि अगर 30,000 से ग्रेटर या उसके इक्वल हों, या 50,000 से लेस और इक्वल्स टू हों, तो हम लोग यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ डालनी है, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ किया है एंड का, और साथ हम लोग दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे, बेसिक पे, बेसिक अंडरस्कोर पे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हाउस रेंट,
ठीक है, हाउस अंडरस्कोर रेंट इज इक्वल्स टू बेसिक पे मल्टीप्लाइड 35% है, तो 0.35, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एल्स एक चीज़ याद रखें, जब मैं एल्स सिर्फ पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था कि एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन जो है वो नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे हाउस रेंट, हाउस रेंट इज इक्वल्स टू बेसिक पे, बेसिक अंडरस्कोर पे स्टेरिक 40%। सो हम लोग लिखते हैं 0.40, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर, यहाँ तक हमारे पास जो है वो सिलसिला जो है वो इसका ख़त्म हो गया। जो भी हमने कंडीशन कैलकुलेट करनी थी, हम लोगों ने बेसिकली हाउस रेंट कैलकुलेट करना था, सो हम लोगों ने हाउस रेंट जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमने हाउस रेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लोग क्या चीज़ अब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिक पे भी आ गई है, हाउस रेंट हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोग नेट पे निकाल लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेट पे इज इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस हाउस रेंट, हाउस अंडरस्कोर रेंट, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर नेट पे कैलकुलेट होके आ गया, उसी चीज़ को डिस्प्ले करवा दें यहाँ पर। सो हम लोग लिखेंगे सी आउट योर नेट पे इज समहाउ नेट पे, ठीक है जी। आप लोगों ने यहाँ पर नेट पे जो है वो कैलकुलेट कर ली, देन यहाँ पर जो हमारे पास बकाया जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज गेट सी एच, ठीक है। सो इसकी अगर आउटपुट, वो आपसे कहता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या हो सकती है, यहाँ पर इसकी आउटपुट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इंटर योर बेसिक पे, ठीक है, लेट सपोज मैंने इंटर की है 65,000, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मुझे क्या चीज़ शो करवा देगा, योर नेट पे इज़, जो भी आपके पास नेट पे यहाँ पर कैलकुलेट करेगा ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास चला लेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं, ठीक है। उसमें हमसे क्या क्या आ गया है कि हमारे पास इस तरह का टेबल आपने शो करवाना है लूप के थ्रू, ठीक है। लूप की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है फॉरन हाइट में, ठीक है, यानी कि इसमें यूज़र से आप लोगों ने कोई इनपुट नहीं करवानी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये टेबल इक्वल एंड टेबल जो है वो आप लोगों ने बनाना है। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 50 से स्टार्ट किया है और कहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं इसको 100 में, ठीक है। तो यहाँ पर गैप देख लें, आपके पास 50 के बाद 55 है, ठीक है, एंड देन 55 के बाद जो है वो 60 है, 65, तो 5 का जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट आ रहा है। इसमें हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे लूप, ठीक है। हम कौन सा लूप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह आप लोग कोई भी लूप जो है वो इसको यूज़ करके इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये है इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कहता है कि जो सेल्सियस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है वो यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं कि बेसिकली एक्चुअल में किस तरह से परफॉर्म होगा, ये वही सारा क्राइटेरिया, यहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों के पास सबसे पहले हमें लूप के वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें कोई चीज़ जो है वो इनपुट नहीं करवा रहे, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आउटपुट आएगी और आउटपुट में आपको ये टेबल शो होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फॉरन हाइट की वैल्यू है वो हम ले लेते हैं इंटीजर में। सो हम लोग लिखते हैं इंट फॉरन हाइट, या फिर इंट आप खाली एफ ले लें, ठीक है। वेरिएबल्स जो भी आप यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, फिर आप उसी वेरिएबल को लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एफ़ और सी ले लिया है, ठीक है, आप पूरे पूरे वेरिएबल्स लेना चाह रहे हैं तो आप पूरे पूरे वेरिएबल्स ले लें, ठीक है। सो ये वाला जो वेरिएबल है ये आपका लूप के लिए भी यूज़ हो जाएगा। इसको देखते हैं ये कैसे यूज़ होगा। दो वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया, फिर हम लोगों ने लिखना है, ये देखें, अगर हम देखें एक चीज़ जो ये वाली है, अगर हम टेबल की फॉर्मेशन पे जाएं तो ये चीज़ जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखी जा रही है। सो ये एक ही दफ़ा लिखी भी जा रही है तो हम इसको लूप से ऊपर जो है वो डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं सी आउट लेट से बैक स्लैश टी, ताकि ये मिड में आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा लाइन से हट गया है। उसके बाद आपने लिखना है फॉरन हाइट जिस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने दो टैब स्पेसेस देनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तीन भी दे देते हैं, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंगली फिर उसी तरह से जो है वो काम करेगा, ठीक। सो आपने अगर फॉरन हाइट यहाँ पर लिखा तो उसके बाद तीन जो टैब स्पेसेस हैं वो दी, तो ये काफ़ी हट के यहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर आप लोगों ने लिखना है सेल्सियस। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर तो आप
जो है वो स्पेस बार को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग जो है वो मैनिपुलेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, कॉलम्स की अकॉर्डिंगली लिखने के लिए। सो हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है फॉर, तो हम लोग लिख रहे हैं फॉर। अब फॉर, अब वैल्यू आपने चूज़ करनी है f, ठीक है। f इज़ इक्वल्स टू 50, ठीक। अब यहाँ से हमने 50 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जा रहा है ये 100 तक, तो हम लोग लिखते हैं f इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100, कि 50 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए 100 तक, और हर 100 की वैल्यू में ये क्या करवाइए। दो तरह से आप लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं f प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये एक गुड वे है, प्रोफेशनल वे है लिखने का चीज़ों को। अगर आप ये चीज़ नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप लिख सकते हैं f इज़ इक्वल्स टू f प्लस 5, ठीक है। इस तरह से भी जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर को और अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोगों ने कंबाइन करके ये चीज़ यूज़ की है। ये भी मैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने लूप को क्लोज़ कर देना है, लूप की बॉडी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लूप की बॉडी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो हम पहले इसका वो फार्मूला बनाएंगे। सी इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्योंकि ये देखें यहाँ पर आपके पास ये डिवीजन का ऑपरेटर आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इशू, यहाँ पर क्या बनेगा इशू, ये बनेगा कि ये जो है वो सेल्सियस आपको पॉइंट्स में रिजल्ट देगा, ठीक है। सो पॉइंट्स में लेने के लिए हमने यहाँ पर इंटीजर में लिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट्स में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं फ्लोट सी, ठीक है। तो जिस टाइम आप कोडिंग करेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक है, तो आप साथ साथ भी जो है वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सी इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैंने लगाई है टाइप कास्टिंग, तो मैं किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर 5.0 ताकि जो है वो इशू ना आए, या आप दोनों को भी ले सकते हैं, दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है, 9.0, ठीक। उसके बाद आपने इसमें डालनी है ब्रैकेट्स, यहाँ पर डालेंगे स्टेरिक, और देन आपके पास क्या चीज़ है, f माइनस 32, ठीक है जी। ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन सॉल्व होकर सी के अंदर वैल्यू जो है वो चली जाएगी। अब हमने लिखना है सी आउट, ठीक है। सी आउट में जाके आप लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ प्रेस करनी है, टैब स्पेस, जितनी यहाँ पर टैब स्पेस थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देनी है, ताकि ये देखें एक टैब स्पेस से वो यहाँ पर पहुँचा, और थोड़ा सा हम कीबोर्ड से स्पेस देंगे तो आपके पास जो कर्सर है वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच जाएगा, ठीक है, कि वो यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद आपने उसको यहाँ पर ले गए खुद स्पेस बार प्रेस करके, और यहाँ पर आगे हमें किस चीज़ की वैल्यू है, वो है f की। f की पहली वैल्यू है आपके पास 50, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है, f। अच्छा, इसके बाद देखें आपके पास क्या चीज़ है, उसके बाद देखें आपके पास फिर गैप आ रहा है। सो आपने यहाँ पर 3 टैब स्पेस दी थी, तो 1, 2, 3, सो वो होपफुली जो है वो यहाँ तक पहुँचा होगा। यहाँ से आप थोड़ी सी खुद स्पेस बार दे दें, ठीक है, यहाँ तक आपके पास वैल्यू पहुँच गई। और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, सी। सो सी आपने जब यहाँ पर लिखना है, तो ये होपफुली यहाँ से एफ़ की वैल्यू उठाएगा, और यहाँ से जो सी इसने कैलकुलेट किया है वो यहाँ से उठा लेगा, ठीक। एक नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर भूल गए हैं, आप लोग नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसी लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो बैक स्लैश एन लिख दें, यहाँ पर आप एंड लाइन को यूज़ कर लें, मैं एंड एल को यूज़ कर रहा हूँ, एंड लाइन को, और ये हमने ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर फिर इसका इसको एंड हो जाएगा, ये गेट सी एच, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक है। ये जो है वो छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अकॉर्डिंगली ये टेबल आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट लैब एक्टिविटी है आपके पास, लैब एक्टिविटी नंबर 10। उसके अंदर आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द सीक्वेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या किया है कि हमारे पास यहाँ पर सम है, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, और वो कहाँ तक जा रहा है आपके पास, 60 तक। अगेन सेम क्वेश्चन है आपके पास, लूप से सॉल्व हो सकता है, और फॉर लूप से करना चाहें फॉर लूप से कर लें, वाइल से करना चाहें तो वाइल से कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने कोई स्पेसिफिक फॉर लूप का जिक्र किया है, तो आपने इसको किससे करना है, फॉर लूप से ही करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैसे होगा, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक आपके पास सम है और दूसरा लूप का कोई भी वेरिएबल ले लें, लेट्स से के इंट आई कॉमा सम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी कभी सम का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, या आप लोगों ने सम
इंटीजर का जो है वो प्रिंट करवाना है या कोई ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि हमेशा, ठीक है, सम को किस चीज़ से इनिशियलाइज़ करवाएंगे, ज़ीरो से, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ज़ीरो से प्लस होती है तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने फॉर लूप स्टार्ट करना है, तो हम कहते हैं फॉर, इसके अंदर हम जो हमारी पहली वैल्यू है देखें 30 से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आई की वैल्यू आई इज़ इक्वल्स टू 30 से स्टार्ट करवा लिया। फिर हमने कहा कि आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 60, कि लूप कहाँ तक चले, 60 तक, और हर लूप की आइट्रेशन में कितने नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। तो 3 का इंक्रीमेंट कैसे कराएंगे, हम लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल्स टू 3, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 3, दैट इज़ इक्वलेंट टू आई प्लस इक्वल्स टू 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने लूप की बॉडी को स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सम, ठीक। हम लोग लिख सकते हैं सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, आई, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोग्राम किया एंड देन सी आउट, जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी उसको अभी हम देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा। सो सी आउट सम ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सम, सो आपके पास वो वैल्यू शो करवा देगा। देन यहाँ पर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं प्रोग्राम को, गेट सी एच रिटर्न ज़ीरो करवाना चाहें तो करवा लें, ठीक है। सो ये आपके पास प्रोग्राम था। अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके चेक करते हैं कि बेसिकली ये काम किस तरह से करता है, इसकी वर्किंग क्या है, सही। सो हम लोग टेबल ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आई का टेबल है और हमारे पास सम का टेबल है, और साथ ही यहाँ पर मैं इसकी आउटपुट भी ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको साथ नज़र आता रहे कि बेसिकली आउटपुट में क्या चीज़ हो रही है, ठीक। यहाँ पर आपके पास अभी बेसिकली कोई आउटपुट नहीं है। सो ये जो आई की वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 30 से, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है, 0, सही। जब ये लूप स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पर आया सम प्लस आई, सो सम प्लस आई, सम के अंदर क्या वैल्यू चली गई है, 30, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लूप की आइट्रेशन यहाँ पर गई है तो 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू क्या हो गई, 33। अब 33 प्लस 30 तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 63, ठीक है। 63 हुआ, यहाँ से अगेन इंक्रीमेंट हुआ, ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, 36। अब 63 और 36 को वो अगेन सम कर लेगा और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक जो आपके पास आई की वैल्यू है वो 60 तक रीच नहीं कर जाती। जब यहाँ पर 60 तक रीच कर गई है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर लूप एंड हो जाएगा और जो भी इसके अंदर टोटल सम है वो सम के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ये मैं अगर लूप के अंदर लिखता तो हर आइट्रेशन के बाद ये हमें आउटपुट शो करवा रहा होता, तो तकरीबन ये जितने टाइम्स ये लूप की आइट्रेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30, 33, 36, 69, तो ये इतनी दफ़ा ये चीज़ जो है वो प्रिंट करवा देता। अब जो ये प्रिंट करवा रहे हैं सिर्फ एक ही टाइम्स यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट करवाएगा, सम ऑफ, ये आउटपुट है इसकी, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा है, सम ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, ठीक है, सम ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, और आपके पास यहाँ पर जो भी आपके पास कैलकुलेट करके आंसर आता है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। चलें देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या हमारे लिए है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये वाला सेम सीक्वेंस था जो हमने जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों ने फॉर लूप से किया है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग वाइल लूप से करेंगे इसको, ठीक है। सो वाइल लूप से इसको करते हैं तो चेक करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है। हम लोगों के पास उसी तरह से हम लोग दो वेरिएबल वो करवाएंगे, डिक्लेयर करवाएंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं इंट आई, ठीक है, लूप के लिए, और दूसरा वेरिएबल सम, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर सेम काम हो रहा है, सिर्फ लूप आप लोगों ने चेंज करना है। मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म जो है वो आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखें फॉर लूप क्या होता है, फॉर यहाँ पर होती है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक ही ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। वाइल के अंदर क्या होता है, अगर हम वाइल में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका अगर इक्वल एंड है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर में है तो वाइल में कर सकते हैं, वाइल में है तो फॉर के अंदर कर सकते हैं, वाइल है तो उसको डू वाइल में कर सकते हैं, फॉर है तो उसको डू वाइल में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये बस एक हिंट याद रखें कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास आएगी एक्सप्रेशन 1, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 के बाद आप लोगों के पास आ जाता है वाइल, एक्सप्रेशन 2, उसके बाद आपके पास जब ये ख़त्म होगा तो यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है,
इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम जो है वो इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे फॉर से वाइल में, यानी कि फॉर में हम लोगों ने पहले किया था, अब हम इसको किस में चेंज करें, वाइल में, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर करा रहे हैं आई इज़ इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लूप आपका 30 से, सही है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन वन, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा वही काम हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल के अंदर आगे, वाइल के अंदर आपके पास कंडीशन थी जो हम लोगों ने लूप के अंदर डिफाइन करवाई थी, हम ये कहते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 60, यानी कि कब तक लूप चलता रहे, जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 60 है, सेम, ठीक है। लास्ट पे आते हैं, सो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर एंड पे जब लूप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन 3 है जो कि है आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 3, या फिर आप लिख सकते हैं आई प्लस इज़ इक्वल्स टू 3, बोथ आर इक्वलेंट, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर सम वही सेम, सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस क्या वैल्यू है आई, ठीक है, बस आपने सिर्फ इतना काम करना है। और यहाँ पर आगे सेम सी आउट सम ऑफ सीक्वेंस या सम ऑफ गिवन सीक्वेंस जो भी आप लिखना चाहें वो आपके पास इज़, और यहाँ पर आपके पास किस में वैल्यू है, सम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसको ख़त्म करवा दें, ये आपके पास गेट सी एच है, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं कि वो क्या कहती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 12, ठीक है। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि पॉजिटिव ऑड नंबर जो है वो आप लोगों ने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, अप टू 50, ठीक है। कहाँ तक आप लोगों ने ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, 50 तक, और उसके अंदर क्या चीज़ स्किप करवानी है, वो नंबर जो आपके पास 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ को यूज़ करते हुए, कंटिन्यूस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। सो यहाँ पर ये दो मेथड से हो सकता है, लेकिन अब इसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हम लोगों ने कंटिन्यूस जो है वो फंक्शन को यूज़ करते हुए ही इसको करना है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, आप अपना एक वेरिएबल से हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं इंट आई, लेट सपोज आई इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। देखें ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर उसने कहा है, तो हम आई को स्टार्ट करेंगे, आई इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, और हम कहते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50, कहाँ तक चलाना है हमने लूप को, 50 तक, और हर लूप की आइट्रेशन में प्लस 2 करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस इज इक्वल्स टू 2, या फिर आप आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। अब देखें यहाँ पर हमने सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है छोटी सी कि वो वाले नंबर प्रिंट ना करवाएं जिसके अंदर आपके पास जो है वो जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू है, वो आपके पास 5 से डिविजिबल वाली वैल्यू आएँ। सो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं छोटी सी, इफ़ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर जो आपके पास आई है उसका मॉड लिया जाए, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है, किसके साथ, 5 के साथ, is equal to 0, और जिसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाए, 0 के, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर पहले 1 आएगा, फिर आपके पास 3 आएगा, ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो आती रहेंगी, ठीक है, लेकिन वो वाली वैल्यूज जिसका जो डिवाइड होता है 5 पे पूरे का पूरा, ठीक है, उसका रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0, ठीक है। वहाँ पर आपने क्या चीज़ लगानी है, वहाँ पर आपने जस्ट लिखना है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है, आप लोगों ने कंटिन्यू लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसको अभी ड्राई रन करते हैं तो फिर आपको इसका अच्छा समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पर सी आउट, और आपने लिखा यहाँ पर आपको चाहिए आई की वैल्यू, सो आप लोगों ने आई करवा दिया और नेक्स्ट लाइन पे मूव करें, ठीक है, और यहाँ पर आपने लूप ख़त्म करा दिया। ये आपके पास गेट सी एच, ठीक है, ये आपके पास इसकी बॉडी है जो कि हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है, ये ठीक भी हमने लिखा है या नहीं लिखा। आपके पास यहाँ पर है आई, सो हम आई के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बनाया वेरिएबल यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। अब देखें आउटपुट किस तरह से काम करिए। देखें आपके पास आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू है आपके पास 1। अब 1 जो है वो 50 से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ गए, 1 का मॉडुलस लें 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, तो ये वाला जो कंटिन्यूस है ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि जो इफ़ होती है उसके साथ जो
जो नीचे वाली पहली स्टेटमेंट होती है, अगर उसकी ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई वो उसका पार्ट है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल ये एक ही स्टेटमेंट थी, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, इसका मतलब है कि ये जो है वो इफ़ की कंडीशन में नहीं आया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, आई, आई की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। उसके बाद एंडल लिखा हुआ है तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद वैल्यू के अंदर क्या हुआ है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गया 3। 3 को चेक करें, 5 के साथ मॉड लें, आपके पास आंसर 0 नहीं आता, उसको भी हमने एज इट इज़ डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 5, ठीक है जी, 5 का मॉड लें, 5 के साथ तो आपके पास 0 आ गया है, ठीक है। अब अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो फिर इसका मतलब है कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट करती ये है कि ये जो नीचे वाली जितनी भी जो एग्जीक्यूशंस हैं उसको टर्मिनेट करवा देती है और लूप के अगली आइट्रेशन के ऊपर मूव कर जाती है, ठीक है। सो हमारे पास ये लूप की अगली आइट्रेशन के ऊपर मूव कर गया, सो यहाँ पर इसने इसको स्किप करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू आपके पास 7 एंड सो ऑन, यहाँ पर 7 है, ठीक है, इसी तरह 9 है, उसी तरह आपके पास ये जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से देख ले, कहता है पॉजिटिव ऑड नंबर आपने प्रिंट करवाने हैं 50 तक, स्किपिंग दोज डैट आर डिविजिबल बाय 5, तो इस तरह से आप लोग उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं है और आप ये जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर भी आप इसको करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर इसको खाली छोड़ दें और else के अंदर आप लोग क्या लिख दें, सी आउट आई एंडल, और ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ ख़त्म होगी एंड देन यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से भी जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। वो 50 के अंदर आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्किप करवा देगा, ठीक है। या फिर इसको आप इफ़ में लिखने के बजाय कुछ और भी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल वेज, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर एक बात की है कंटिन्यू स्टेटमेंट, सो फिर आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं।